इसको भी यही जगह मिली थी। एक्सक्यूज मी, थोड़ा रुकिए सर, खुजली लगे तो खुजाओ, पेशाब लगे तो पेशाब करो। अब बोलिए सर, श्रुति स्टेट कहाँ पर पड़ेगा? डॉक्टर जी का घर क्या? हाँ, गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट, देयर विल बी अप एंड डाउन, यू विल गेट देयर। ओके। हेलो सर, आपको कोई तकलीफ है या गुप्त रोग है? चल, शहर का लड़का होकर मुझसे शर्मा रहा है। स्टे ट्यून डियर फ्रेंड, एफएम बोले तो रेडियो सिटी 19.1। कहाँ हो अभी? बस अभी स्ट्रेट आके लेफ्ट लेकर राइट से अब जाके डाउन उतर रहा हूँ। उससे मिलने से पहले इतनी सारी टर्निंग्स है, तो मिलने के बाद पता नहीं कितने सारे ट्विस्ट होंगे। श्रुति घर पर ही है, बस अभी मैंने उसे इन्फॉर्म किया है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है? आते हुए रास्ते में मैंने एक सुंदर लड़की को देखा, जस्ट एंजल की तरह है वो, पर मुझे तुम्हारी बातें याद आ गई। वैसे तुम्हारी डॉक्टर सुंदर है ना? कातिल है कातिल। अरे मार देना मुझे भैया। चल ठीक है, एक काम करते हैं, तुम उस डॉक्टर से और मैं मेरी एंजल से शादी कर लूंगा, ओके ना? तब तो लगता है कि शादी किसी की नहीं होगी। देखो, एक घोड़े पे बैठने पर जॉकी कहते हैं, वहीं अगर दो घोड़ों को रथ से बांधकर बैठो तो उसे राजकुमार कहते हैं। एक के साथ शादी करोगे तो तुम पति बनोगे, वही अगर दोनों से की तो वो तुम्हारी पति बनेगी। ओके, थैंक्स फॉर द एडवाइस, बाय। तुम पैलेस की तरह है। डॉक्टर शायद क्वीन जैसी होगी। लेट्स सी। हाय। डॉक्टर श्रुति। 100 में से 99%। अभिराम। 100%। अंदर आ सकता हूँ क्या? मैं मना करूंगी तो वापस चले जाओगे? जस्ट 42 seconds प्लीज। 42 seconds? हाँ बोलो। hey, तुम्हारी एंगेजमेंट और मेरी शादी की डेट फिक्स कर दो। क्यों, श्रुति से मिले क्या? इतनी जल्दी सारी बात कर ली? नहीं नहीं, बस देखा है यार। और शादी की बात वो तो हम दोनों के दुनिया में आने से पहले डिसाइड हो चुका है। लेकिन संसार नाम के नर को यही बसाना है। ठीक है, श्रुति कैसी है? जस्ट एवरेज, मेरे जैसा कलर तो नहीं है। ठीक है, क्या करें, तेरे लिए एडजस्ट कर लूंगा। ए, आँखों को भाने वाला कलर बस कुछ ही समय तक रहता है, लेकिन मन को समझने वाली लड़की आ गई ना तो पूरी लाइफ कलरफुल हो जाती है। वैसे श्रुति का कलर तो अच्छा ही है। देखो एक्चुअली, अंदर आ जाइए। हाँ, ए, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ। वाओ, घर तो बढ़िया है। किसने बनाया? मिस्त्री ने। किसने बनवाया पूछते तो मैं कहती अमर ने बनवाया। क्यों, एक शब्द में इतना फर्क होता है क्या? एक शब्द इंसान की जिंदगी बदल देता है। आइए ऊपर चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों? हेलो, मेरे जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं, उस बारे में तो बात ही नहीं की अब तक। सुनिए, मेरा मतलब है फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अभी तो कह रही थी कि एक शब्द जिंदगी बदल देता है। नहीं कुछ नहीं, घर में कोई नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा? कोई नहीं है। क्या, अमर भी? अमर के साथ पूरी फैमिली मंदिर गई है। अच्छा, कब आएंगे? Maybe कल शाम तक। अमर टू? Of course। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अमर के आने के बाद मैं फोन करके आ जाऊंगा। ओके बाय। आप उस टाइप के हो क्या? हेलो, मैंने वैसा नहीं कहा, घर में एक अकेली लड़की के साथ मैं। आप यहाँ मुझसे ही मिलने आए हैं ना, तो बात कीजिए, मेरे बारे में जानिए, मुझे कौन सा कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है, कितनी हाई हील्स पहनती हूँ, कौन से ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, ये सब पता कीजिए। आपके पास कौन सी बाइक है, पर्स में कितने पैसे हैं, मन में क्या है, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये मैं पता करूँगी। बैठकर बात करेंगे तो पता चलेगा कि हम दोनों कैसे हैं। ठीक लगा तो मिलकर कॉफी पियेंगे, वरना खाली कप धोकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मेरे हिसाब से एक दूसरे को समझने के लिए इससे अच्छी कोई जगह या टाइम नहीं मिल सकता। आप हनुमान भक्त हैं क्या? क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? वहाँ वो पर्वत नहीं उतार रहे हैं और यहाँ बैग नहीं उतार रहे। चलिए बात करते हैं।
बारिश शुरू हो गई है, आप भी शुरू हो जाइए। ओके, वैसे मुझे एक्चुअली सभी ग्रेट तो कहते हैं, पर मुझे सिंपल रहना पसंद है। मेरा नाम है अभिराम और सभी लोग मुझे प्यार से अभी कहते हैं। पढ़ाई डिग्री तो की है, काम करता हूँ एड फिल्म्स का। मेरी एक सिस्टर है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी सिस्टर, तुम्हारा ब्रदर, दे बोथ आर इन लव। वो शादी भी करने की सोच रहे हैं और ये बात आपको भी पता है। मैं एक्चुअली एड फिल्म शूटिंग के लिए लोकेशन देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सिस्टर बोली इतनी दूर जा ही रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके घर पे भी जाके आ जाओ ना, इसलिए मैं आ गया। शूटिंग? कौन कौन आया है? हीरो कौन है उसमें? मुझे शूटिंग देखने की बहुत समय से इच्छा थी, मुझे ले चलोगे क्या? हेलो, ये कोई सिनेमा शूटिंग नहीं है, एड फिल्म है। इसमें हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो सब आप जैसे को समझ में नहीं आएगा। अच्छे से समझाओगे तो क्यों नहीं समझूंगी, चलो बताओ। आपकी मर्जी। इमेजिन टू कैरेक्टर्स, एक तुम दूसरा मैं। एक सुंदर सी नदी, नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर एक कैरेक्टर लकड़ी काट रहा है। शिट, व्हाट द, अरे गिर गई यार, अरे मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई यार। बेचारी को तैरना भी नहीं आता, कोई उसे बचाने वाला है क्या? ओ गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू समथिंग। कौन है भाई? मैं गंगा माँ हूँ। गंगा माँ? माँ जी? छी, भिखारियों की तरह पुकार रहे हो, बिनती करने जैसा नहीं लग रहा है। चलो मैटर क्या है बताओ। माँ जी, वो कुल्हाड़ी मेरे पूर्वजों की संपत्ति है और वो अभी नदी में गिर गई है, मैं क्या करूँ माँ जी? डोंट फियर, आई एम हियर। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, टेक दिस वन। ये मेरी नहीं है। तो फिर ये ले लो। नो, दिस इज नॉट माइन, यू आर मिस्टेकन मी, मेरा तो बेसिक मॉडल है, दिस इज सिल्वर। अच्छा, तो ये ले लो। दिस इज मेरा माँ जी, थैंक यू। वेल डन भाग, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। गिफ्ट के तौर पर ये गोल्डन वाली भी ले लो। माँ जी, अब जब आप दे ही रही हो तो मुझे राम ज्वेलर्स सोना दे सकती हो ना? उसमें ऐसा क्या स्पेशल है भाग? उसमें क्या स्पेशल है? राम ज्वेलर्स का मतलब है प्योरिटी, क्वालिटी। उसमें हॉलमार्क का सिक्का भी होता है और ऊपर से भरोसे का प्रतीक भी होता है। तो फिर मैंने जो ज्वेलरी पहनी है वो ले लो। शुद्ध नहीं है। हाँ? कॉन्सेप्ट कैसा है? एवरेज है। मतलब मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा है वो कॉफी। स्ट्रॉन्ग या लाइट? स्ट्रॉन्ग। कितनी स्ट्रॉन्ग? इसमें क्या, एक कप दूध, एक स्पून कॉफी पाउडर और लाइटली शुगर। अच्छा, वैसे किचन नीचे है तो मेरे लिए भी बना देना, मुझे पौधों को पानी देना है। पौधों को पानी देना है? बाहर जब बारिश हो रही है तो पौधों को पानी क्यों देना है? क्यों? बच्चे पैदा हो गए तो घर बसाने बंद कर देते हैं क्या? ये भी वैसा ही है। अरे कॉफी बनाना नहीं आता तो डायरेक्ट कह सकती थी ना, क्या ड्रामा है। क्यों जी, बच्चे शरारत कर रहे हैं क्या? हाँ, पौधे बीमार ना हो जाएं, इसलिए मेडिसिन दे रही हूँ। पौधों के बदले वो मेडिसिन तुम लोग ही तो बेटर रहेगा। ये टेक इट। वेरी स्वीट। आई नो, थैंक यू सो मच। हे, कॉफी में चीनी ज्यादा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे कॉफी बनाते वक्त मन में मेरे बारे में सोच रहे थे क्या? वो मैं ये क्या, कुछ नहीं सोचा? कहने के लिए तो मैंने बहुत सोचा है, बहुत विचार भी किया। श्रुति बहुत ही अच्छा नाम है पर आपको सूट नहीं हो रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बिल्कुल सूट नहीं हुआ। वैसे भी क्या करें, यू लुक लाइक एन इंटरेस्टिंग पर्सन, एडजस्ट हो जाऊंगा। ट्रेलर देखकर धोखा मत खाओ, पूरी मूवी देखोगे तब पता चलेगा। ओह, वैसे भी आपने अंगूठी को डॉलर की तरह गले में क्यों पहना है? पसंद आई? ओके। एक्चुअली ये मेरे दादाजी की है, जब मैं छोटी थी तब वो चल बसे। सुपर। हाँ? मतलब आपके दादाजी की याद में आपने रख लिया ना, इसके लिए सुपर बोला। सब कह रहे थे सोना पिघला देते हैं पर मैंने मना कर दिया। ये सिर्फ सोना नहीं है, मेरे लिए ये एक याद है और यादों से ज्यादा अहम लाइफ में और क्या हो सकता है। श्रुति। हाँ? आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? अरे देर क्यों कर रहे हो, जल्दी पूछो। वैसे उस फोटो में अमर के साथ जो लड़की है वो कौन है? इतनी जल्दी शक करने लगे? आपकी सिस्टर की जगह दूसरी लड़की खड़ी है, इसलिए वो लड़की भगवान ने भेजी है, हमारी कजन सिस्टर है। ओह, आई एम रियली सॉरी। आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना?
सिर्फ प्यार ही नहीं है, जान है। इस पूरी दुनिया में अगर मेरा कोई है तो बस वो अकेली है। लव में फेल होके जिंदगी कहां चली जाएगी? जब ऐसे हालत में मैं था तब जिंदगी का मतलब हार जीत नहीं होता है, इसे भी फेस करना चाहिए कहकर मेरी लाइफ को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके दोबारा मुझे इंसान बनाया। आपको प्यार में धोखा मिला? छोड़िए ना अभी ये सब बातें, क्यों? कॉफी बनाते वक्त कंपनी नहीं दी इसलिए बुरा लग रहा है, पर फिक्र मत करो अब कंपनी दूंगी। चलो कप धोते हैं। बैटिंग करते वक्त पार्टनरशिप देनी चाहिए पर आउट होके पेविलियन जाते समय नहीं। अरे जल्दी आओ। हां ओके आ रहा हूं। आपको एक बात बताऊं? हां बोलिए ना। सुबह से आपके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूं, अब तक आपने बताया उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। ओहो पर अब आपकी कहानी में ट्विस्ट आया है। वैसे वो लड़की कौन थी, क्यों छोड़कर चली गई, कुछ तो बताओ। उस लड़की की मुझे याद मत दिलाइए, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। छोड़कर चले जाने वालों पर गुस्सा तो आता ही है। हेलो मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, उस लड़की की शादी हो चुकी है, शादीशुदा लड़की के बारे में बात करना गलत है। एक्चुअली आपका फ्लैशबैक पता चला तो ये पता चलेगा उसे ट्रीट कैसे करते थे, आपके बीच झगड़े कैसे होते थे। अगर हम दोनों आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो कैसे सॉल्व करोगे, ये जानना चाहती हूँ। मुझे पसंद नहीं है, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। अरे रे पूरी कहानी नहीं सुननी, एटलीस्ट लास्ट टाइम कब मिले थे इतना बता दो। उसने मुझे वेडिंग कार्ड देने के लिए बुलाया था। ओहो एक्स बॉयफ्रेंड को शादी में बुला लिया, सुपर्ब। प्लीज प्लीज पूरी कहानी बताओ ना। सॉरी उसके बारे में असल में मैं सोच नहीं पाता। ओके ओके एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि उसकी जगह सनी लियोनी है ये सोचकर बताओ। लव स्टोरी बताने वाला कोई उसके बारे में सोचेगा क्या? मैं चलूंगी क्या, तो मेरी आंखों में देखकर मुझे सोचकर बताओ ना। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लॉन्ग हेयर, ब्यूटीफुल स्माइल, फैंटास्टिक आईज। मैंने जिसे प्यार किया है उसकी पूरी लाइफ खुशहाल होनी चाहिए। धर्मस्थल मंदिर के लिए बड़ी लाइन होती है, 50 रुपए में छोटी सी लाइन, 500 रुपए दो तो सीधे मंदिर में दर्शन, वहीं अगर 5000 दो तो सीधे भगवान के घर ले जाएंगे। लेकिन पूरी लाइफ भी दे दो तो भी ये लड़कियां हमें बहुत वेट कराती रहती हैं। हाय, बहुत देर से वेट कर रहे हो। जस्ट 3 आवर्स। पर इतने घंटे मंदिर में ही थे तो पुण्य मिलेगा। हम एक इंसान के लिए इतना वेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई काम नहीं है, बल्कि वो सामने वाले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्या बात करनी थी? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे ये पता चला है कि तुम्हारी शादी हो रही है। हे, मैं सुंदर लग रही हूं ना? सुंदर लग रही हूं, बहुत अच्छी लग रही हूं। हाथों में मेहंदी, ये नेल पॉलिश, मेकअप, हेयर स्टाइल, लाजवाब लग रही हो। लेकिन तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे दिल को चुभ रही है, ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। क्यों गुस्सा आ रहा है? आ तो रहा है पर तुम पर नहीं। तो फिर शादी में आओगे ना? तुमने मुझे शादी में बुलाया क्या? तुम्हें इनविटेशन देना होगा। चप्पल हमारी ही होती है पर उसे घर के बाहर ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रहकर हमारा बोझ उठाकर हर जगह घूमती है। उन्हें घर के अंदर और मुझे तुम्हारी लाइफ में दोनों को एंट्री नहीं है। प्यार करने के लिए तो मैं ओके हूं लेकिन शादी के लिए नहीं।
हार्ट में जो है उसे निकाल के हार्टली वेलकम कहकर वेडिंग इनविटेशन देकर शादी में बुला रही हो, उसके बदले वेडिंग कार्ड देकर मेरी शादी में आना मत कहती तो मुझे बहुत खुशी होती। अभी हम नहीं मिल पाए तो देवदास मत बन जाना। ऐसे आइडियाज देने के लिए तो रेडी हो जाती हो हमेशा। वैसे तुम लड़कियों को बहुत सारी आशाएं हैं ना कि हम जैसे लड़के दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर हाथ में बोतल लेकर जब घूमेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स को मेरी लाइफ में भी एक देवदास है ये बताने में बहुत मजा आता है। छी, पागल हो क्या? ए, हार्ट टू बेडरूम, ये दोनों से लड़कों को कभी बाहर मत भेजना, क्योंकि हमारे जाने के बाद पूरा तुम्ही को लगेगा। तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। मेरा प्यार एक ड्रीम की तरह रह जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिससे प्यार किया उस लड़की को भूल जाना कितना मुश्किल है मुझे पता है। वो किसी और की बीवी बन जाएगी, उसकी सोच से, उसके मन से, जिंदगी से मुझे निकाल के एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए इस पवित्र जल से पवित्र करके इसे भेज रहा हूँ। मेरी यादों की वजह से ये कभी मायूस ना हो जाए भगवान। शाम को 4 बजे आ जाना। क्यों, प्लेट धोने के लिए बुला रही हो क्या? आत्मशांति के लिए तुलसी का पानी जैसे डालते हैं उसी तरह आखिरी बार चुन कर जा रही हो। ए माही, तुम जहां रहना बस खुश रहना। ऑल द बेस्ट। मरते हुए मेरे प्यार की वही आखिरी सांस थी। पैसों की लक्ष्मी, विद्या की सरस्वती, पर प्यार के लिए कोई नहीं है। मेरी लाइफ में वाइफ बने की सोचा था, वो तो अपनी ही लाइफ ढूंढते हुए चली गई। टीवी पर मेरे फेवरेट हीरो की मूवी आ रही है, चलो ना देखते हैं। कम ये 2G 3G 4G जैसी टेक्नोलॉजी भले ही कितनी डेवलप हो जाए, ये लव हमेशा के लिए एवर ग्रीन ही रहेगा। सिर्फ लवर्स बदलते रहते हैं। जब लोग प्यार में होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, लेकिन जब लव शादी में बदल जाता है तो फ्यूचर, फैमिली, लाइफ, ये सब हमारे लव को हमसे बहुत दूर उठा के फेंक देते हैं। असल में लव ही लाइफ है, पर हमें कोई समझाता क्यों नहीं? वाई गॉड, प्रेमियों के जुदा होने के बाद लव फेल हो गया ये सोच के बहुत दुखी होते हैं, पर हमारे लव में जब हम ही स्ट्रांग नहीं होते हैं तो कोई क्या करेगा यार, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सच है, बिना मर्जी के कोई किसी की शादी किसी से नहीं करवा सकता, ये तय है। हमने जिसे प्यार किया है उसे पाने के लिए आखिरी सांसों तक लड़ेंगे तो हमारा प्यार सक्सेस हो जाएगा। ओ तेरी तो सुपर सर। क्या है बे सुपर? ए, पाना मतलब मर्जी ना होते हुए भी पीछे पड़ के परेशान करना या धमकी देना, टॉर्चर करना नहीं होता यार। प्यार को तो प्यार से ही पाया जाता है। सर, ये लव कैसे करना चाहिए? ये लव है हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल है भाई, बताता हूँ सुन। नंबर 1, उस लड़की की आंखों में देखते ही उसकी आंखों में डूब जाने का मन करता है। नंबर 2, पहली बार देखने के बाद जो फीलिंग्स आती है उससे ज्यादा उसका दिल कैसा है ये देखने के बाद जो प्यार होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। नंबर 3, वही मेरी लाइफ है ये बात दिमाग में फिक्स होते ही दिल में एक घंटी सी बजती है और एक मेलोडी स्टार्ट हो जाता है। एक्सलेंट सर, पर एक छोटा सा डाउट है, वो हमें सच में प्यार करती है ये हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें प्यार करने वाले को चूमते ही हमें समझ में आ जाएगा कि वो हमें कितनी गहराई में प्यार करती है। लगता है लव में PhD की है आपने। सर, अपनी लव स्टोरी बताएंगे क्या?
मेरी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। मेरा नाम अजय है और उस लड़की का नाम ओ शह। जब हम उस लड़की की आंखों में देखते हैं तो उसकी आंखों में डूबने का दिल करता है। एक्सक्यूज मी, लाइट चली गई। वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? आपका होने वाला पति ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसे लेकर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है? डांटूं तो डांट सुने, मारूं तो चुप रहे, लेकिन वो मुझसे हमेशा प्यार करे। रोज एक बार तो आई लव यू जरूर बोले। मेरे उठने से पहले मेरी कॉफी तैयार रखे। अगर मेरी आंखों में कचरा चला जाए तो उसकी आंखों से आंसू आए। ऐसा आदमी तो गूगल पे ढूंढोगे तो भी नहीं मिलने वाला। शायद नहीं मिल सकता, ये क्वालिटीज उसमें नहीं थी, फिर भी मैंने उस लड़के से प्यार किया था। क्या कहा? आपकी भी लव स्टोरी है क्या? दिल है ना, बिना प्यार किए कभी रह सकता है क्या? बताती हूँ सुनो। हेलो, मुझे गुजरा हुआ बस स्टॉप नहीं चाहिए, आने वाला बस स्टॉप चाहिए। चलने से पैर दुखते हैं, बात करने से मुंह दुखता है, पर सुनने से कभी किसी के कान नहीं दुखते हैं, तो चुपचाप सुनो। ठीक है, बोलिए। हो सकता है कि उसकी अभी शादी हो चुकी हो, तो उसकी जगह मैं आपको रखकर सोचती हूँ। वैसे आप उतने हैंडसम नहीं हो, पर वो बहुत हैंडसम था। उसका नाम है जोसेफ, स्पेक्स, दाढ़ी, राजदूत बाइक राइड करता था, मेरे कजिन का फ्रेंड है। And he was an amazing sculpture artist, you know? उसकी तरह उसके बाल भी बहुत सॉफ्ट हैं। उसकी पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर इन सारी क्वालिटी से ज्यादा जो क्वालिटी मुझे पसंद आती है वो ये कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। एक दिन मैं चर्च गई थी। इस दुनिया में भगवान से भी महान होती है औरत। जितने भी त्याग होते हैं उसका वो प्रतिरूप होती है। पुराणों में एक ही बात लिखी है और वो ये है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ति तत्र देवता। मतलब जहाँ औरत की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। असल में खुशनसीब वही होता है जो अपने जीवन में समझदार बीवी हासिल करता है। मर्द अगर कमाता है तो औरतें परिवार और जिम्मेदारियों का ध्यान रखती हैं। मर्द अगर कोई गलती करता भी है तो औरत उसकी गलती को क्षमा कर देती है। वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस देती है। उसी तरह मर्द अगर संतुष्ट है तो उतना ही काफी, ऐसा सोचती है। इतना करने के बाद भी औरतों को महान नहीं माना जाता। वो इतना कुछ सह रही हैं इसलिए मर्द हीरो हैं, नहीं तो फिर जीरो। उसने जो कहा वो भाषण जैसा था, फिर भी इंप्रेसिव था। काजू खाने की आशा रखने वाला जैसे मूंगफलियों से मन भर रहा हो, उसी तरह मन में मूर्ति बनाने वाला मिट्टी की मूर्ति बनाकर मन बहला रहा है। लेकिन मिट्टी तो गीली हो सकती है ना, तो फिर इसके मन का क्या होगा? हाय। हाय। उस दिन चर्च में आपका भाषण, सॉरी, स्पीच सुनी। बहुत अच्छा लगा। वो दरअसल कोई स्पीच नहीं है, मैं बस कुछ चार बातें जिंदगी की अच्छी जानता था तो वो लोगों को बताना चाह रहा था। बहुत अच्छा बनाया है। इसके पीछे कोई मतलब है क्या? ऑफ कोर्स, आपको एक बात पता है क्या? पिता बच्चे का शू लेस जब खुला देखता है तो उसे वो बांधता है, पर माँ ऐसी नहीं होती। 2 सालों तक पैदा हुए बच्चों को भगवान ने भले ही जुबान ना दी हो, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, भूख लग रही है, वो दुखी है क्या, ऐसी एक नहीं अनेक बातों को वो खुद समझ लेती है और खुशी खुशी सॉल्व भी करती है। यू नो, यू आर रियली ग्रेट। आई मीन ऑल वुमेन आर ग्रेट। आप क्रिश्चियन है क्या? पहले इंसान हूँ, उसके बाद ही मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं तो एक्टिंग करती हूँ, पर ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, वो सारी बातें छोड़ो, असल में औरतें वो होती हैं जो भाषण सुना सुना कर जान ले लेगा। आप मन में कुछ सोच रही हैं क्या? मैं ये सोच रही हूँ, मैंने बात की तो दिमाग खाने लगे। वैसे भी लड़की जब रास्ते से जा रही होती है तो लड़के कुछ ना कुछ कमेंट पास करते ही है ना। सॉरी, लगता है मैंने आपको हर्ट कर दिया। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। एक दिन मैंने देखा वो बाइक को धक्का मारकर ले जा रहा था। हेलो, हाय, हाय, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। ओके, वेट, मैं वहां आ रही हूँ।
आपको बाइक राइड करते हुए कम और धक्का मारते हुए मैंने ज्यादा देखा है। अब क्या बताऊं, ये बाइक खरीदने के लिए थोड़ा सा उधार लिया था, अब वही चुकाने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। 10 साल बाद कमा लोगे ये सोचकर अगर आज पैसे उधार लोगे तो हो सकता है कि सबके सामने इज्जत उतर जाए। देखिए, बिल्ली के साथ लड़कर जीतेंगे तो भी बिल्ली ही कहेंगे, वही अगर शेर के साथ लड़कर हार भी जाओगे तो शेर ही कहेंगे। ओहो, कुछ कमिटमेंट्स के कारण मेरे हालात ऐसे हैं। चलिए मेरे कजन की बाइक से पेट्रोल निकाल लेते हैं। कम, एक बात बोलूं, खाली बोतल की, उड़े हुए बलून की और बिना पेट्रोल की बाइक की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसे नहीं होने पर इंसान की वैल्यू नहीं होती। ये भी सही कहा। मैं उसे रोज दूर से ऑब्जर्व किया करती थी, कब उससे बात कर सकूंगी, कब उसके साथ रह सकूंगी, ये सोचती थी। कोई पूछे मैं उससे प्यार क्यों करती हूँ तो बता नहीं पाऊंगी, बस इतना बता पाऊंगी कि प्यार करती हूँ। हे, स्टॉप, स्टॉप, ए, रुक जाओ। हे, स्टॉप, 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 स्टॉप। हे, ओह थैंक गॉड, बिल्कुल सही टाइम पर मिले मुझे। प्लीज मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे? लेकिन मैं इस तरफ जा रहा हूँ। क्यों, हैंडल घुमाओगे तो बाइक नहीं चलेगी? जाएगी। ठीक है चलो, तो मैं बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ। ए, निकालो उस दिन जो पेट्रोल दिया था वो बाहर निकालो। ठीक है ठीक है, ड्रॉप करता हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ। जोर से पकड़ लूंगी, स्टंट करोगे क्या? मुझे वो सब नहीं आता, ड्रॉप करता हूँ बस। ओके, तुम पीछे बैठो, मैं ही स्टंट मारती हूँ। हॉर्न मारने से साइड मिलती है, स्माइल देने से लिफ्ट मिलती है। मैं ये समझ चुकी थी कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और यही बताने के लिए मैं उसके पास गई, लेकिन वहां कुछ और ही हुआ। वाओ, कुछ पूछना मत, पूछने लगी तो आधे घंटे तक भाषण देगा। आपने नेत्रदान किया क्या? अब तक नहीं, पर अब कर लूंगी शायद। तो फिर हार्ट? हार्ट मतलब पूरा छोड़ दो, एक छोटा सा पार्ट भी दोगी तो भी काफी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेट मी एक्सप्लेन। नया भाषण तैयार किया है, बोल कर ही छोड़ेगा। ये क्या है बताइए? इट्स अ हार्ट। नो, ये है लव सिंबल, यूं ही टाइम पास लव करने वालों के लिए, ये हमें नहीं चाहिए। हार्ट दरअसल ऐसा होता है, सी, दो ऑरिकल्स, दो वेंट्रिकल्स, इसमें से दो वॉल्स ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं और बची हुई दो वॉल्स वो प्यूरिफाई किए हुए ब्लड को बॉडी के बाकी पार्ट्स को पहुंचाती हैं। Got it? Yeah, got it. Good. So, प्यार ये हार्ट वॉल्स की तरह ही चार तरीके के होते हैं, दो अंदर होते हैं और दो बाहर दिखते हैं। अंदर जो रहते हैं उसमें से एक का ब्लड रिलेशन होता है, लाइक माँ, पिता, बहन, दीदी, भैया, छोटा भाई, और दूसरा हमारे दोस्त, टीचर्स, हमें इज्जत देने वाले। समटाइम्स पसंद प्यार बन जाती है और एक दिन रिश्ते में बदल जाती है। और बाहर दिखाने वाला प्यार? ये दो तरीके के होते हैं, मतलब हमसे पैदा होने वाले बच्चे, आई मीन अभी तो नहीं होंगे पर फ्यूचर में तो पैदा होंगे ना, ये तो मानती हो ना? Yes, of course. जैसे डॉग्स की बिस्किट में डॉग्स नहीं होते पर क्रीम बिस्किट में क्रीम होती है। और दूसरा? आपका आधा हिस्सा। मतलब? आपके लवर का। देखिए, मैं भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ पर मुझ में भी थोड़ी सी शर्म है, पर उसे भी छोड़कर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो पार्ट मुझे दे दो ना। हमें जो ज्यादा डांटते रहते हैं ना वही हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इस बात पर मुझे बहुत भरोसा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आई लव यू। मैं जो बात कहना चाहती थी वो बात इसने कह दी, क्या कहूं समझ नहीं आ रहा, जैसे गरम तवे पर डोसा डाल दिया हो। सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। बिना पेट्रोल की बाइक चलाते हो, बीच पर रोज आकर मूर्तियां बनाते हो, कमाओगे कैसे और मुझे रखोगे कैसे, मैं भरोसा कैसे करूं? सभी लड़कियां यही सवाल पूछती हैं। क्यों, लड़के जब तुम्हें प्यार में प्रपोज करते हैं तो तुम पॉजिटिवली क्यों नहीं सोचती हो? अभी तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है। समंदर को तो किनारा होता ही है, उसी तरह सवाल है तो जवाब तो होगा ही ना, सोचकर बता देना।
हेलो, यहीं वेट करूं क्या? कल बताऊं तो चलेगा क्या? टाइम सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में। जैसे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, वैसे ही जिस लड़के से प्यार करो अगर वो आपसे प्यार करे तो दिल को बहुत खुशी मिलती है, पर ये बात हम किसी से शेयर नहीं करते। उस दिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। कहते हैं कि रोने वाले मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर उस दिन उसे रोता हुआ देखकर उस पर दया नहीं आई, उस पर भरोसा हुआ। मैं उसकी लाइफ में पहली लड़की हूं या नहीं ये तो नहीं पता, पर आखिरी लड़की जरूर बनना चाहती हूं। तुम्हारे लिए सनराइज से लेकर सनसेट तक नहीं, मेरी जान जाने तक वेट करूंगा। कितना भी वेट करो, पर गवर्नमेंट बस को जिस तरफ जाना है वो वहीं जाती है। यही तुम्हारा डिसीजन है? देखो, तुम्हारा कोई एम होना चाहिए। हम जिसे चाहते हैं उससे ज्यादा हमारी लाइफ का गोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो तुम अपने एम के लिए भागो, लड़ो और जीत हासिल करो। पैसे और नाम दोनों कमाओगे, तब मैं क्या, देखना लड़कियों की तुम्हारे पीछे लाइन लग जाएगी। पाउडर का दूध भले कितना भी टेस्टी हो, बच्चे के लिए तो माँ का दूध ही अच्छा होता है। दुनिया में भले ही कितनी भी लड़कियां हो, मैंने जिससे प्यार किया वो तुम तो नहीं होगी ना। उसके बाद एक हफ्ते तक जोसेफ मुझे दिखाई नहीं दिया। जब पहले मिलता था तो मैं उसे रुला देती थी, और अब वो मुझे रुला रहा है। अब मुझे समझ में आया कि मिस यू का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मेरा मन जैसे नदी की तरह भाग रहा था कि किसी दिन तो समुद्र में जाकर मिलेगी, और जब मिलेगी तो दोनों में प्यार होगा। अब तो बस यही बातें मेरे मन में चल रही थीं। मेरा प्यार अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है। आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से कुछ 10-15 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, पेपर्स ना वो सब तो मैंने सबमिट कर दिया है। हाय। हे हाय। अच्छा, मैं बाद में कॉल करूंगा। ओके बाय। क्या बात है, आज फेस पर बहुत ग्लो है। हाँ, हाँ, वो थोड़ा चेहरा धो लिया। एक हफ्ते से फोन पर भी पकड़ में नहीं आ रहे थे, कहाँ गए थे? मुंबई गया था। वो किस लिए? वीजा के काम से। वीजा? जनरली लड़कियां लव को एक्सेप्ट करके लवर बनती हैं, लेकिन आप मेरे प्यार को ठुकरा कर देवी बन गई। मैं दूसरे देश में नक्षत्र देखने के लिए जा रहा हूँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आप पर जो अट्रैक्शन था ना, उसे प्यार समझ लिया था, लेकिन प्यार और जिंदगी का डिफरेंस क्या होता है ये मैं अभी समझ रहा हूँ। मुझे आइस में स्कल्पचर करने की बहुत समय से इच्छा थी, ये तो आपको भी पता है ना। अभी मुझे इसका मौका मिला है, इसलिए मैं स्वीडन जा रहा हूँ। मेरे पापा के फ्रेंड ने मुझे बहुत हेल्प की। सॉरी, वहाँ जाऊँगा तो नाम होगा, मेरा एम्बिशन भी फुलफिल होगा। मैं यहाँ बोर हो चुका हूँ सच में, थोड़ा सा चेंज भी तो मिल जाएगा ना। पैर दब गया तो उसने सॉरी बोल दिया, पर मेरा दिल दुखाकर सॉरी नहीं बोल रहा। इसलिए कहा था चावल पकने तक उन्हें गैस पर रखना चाहिए। हाँ सच है, मैंने तो नहीं रखा, लेकिन आप ही ने रखवाया।
तो कब जा रहे हो? जाने में छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैंने फ्रेंड से मांगे, एडजस्ट होते ही वो प्यार से दूर जाने की खुशी में था और मैं प्यार में पड़ने के दुख में थी। जोसेफ से बात की क्या? अगर वो सच में प्यार करता तो मार पीट के उठा के ले आती, पर उसने जो बताया उसका मतलब तो मेरा आप पर जो अट्रैक्शन था उसे मैंने लव समझ लिया था। मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ। हमेशा लड़के ही देवदास बनते हैं क्या? अगर हम बन गए तो क्या हुआ? हाय। हाय। उदास क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। क्या बात है बोलो ना। कहा ना कुछ नहीं, पैसे के बारे में बताया था ना, अब तक एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अरे नो नो आई कांट नो। इच्छा हो तो मन नहीं मारना चाहिए और जरूरत हो तो पैसों को मना नहीं करना चाहिए। प्लीज ले लो। वो लेकिन तुम इंसान हंसे तो वो खुशी जाहिर करता है, लेकिन यहां तो मैं दुख में भी हंस रही हूं और वो खुशी से रो रहा है। आपका ये एहसान मैं कैसे चुका हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब लौटाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल आपको अभी देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे भले ही पैसे देती या ना देती, लेकिन ये बाइक आपको देने का फैसला मैंने बहुत पहले ही किया था। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे एयरपोर्ट तक इस बाइक पर ड्रॉप कर सकती हो? जिसे मैं कभी नहीं जाने देना चाहती थी उसे खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करके आई। उसके बाद कभी फोन नहीं, मिलना नहीं, शायद वो मुझे भूल गया। लोग कहते हैं कि मर्द बड़े अजीब दिल के होते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो मुझे छोड़कर चली गई, पर आपने जिस लड़की से प्यार किया उसे आपने खुद ही जाने क्यों दिया ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसे अपने दिल की बात बता देती तो? अगर वो अपने लक्ष्य को भूलकर मेरे प्यार के लिए रुक जाता तो शायद अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। और वैसे भी मैंने अपने पापा को इस बारे में जुबान दी थी। पापा को जुबान दी का क्या मतलब? मेरे पापा के लिए म्यूजिक उनकी जान थी, म्यूजिक डायरेक्टर बनना ही उनका सपना था, और ये देखकर ही मेरी माँ को उनसे प्यार हुआ था। फिर दोनों ने शादी कर ली और सभी लोगों से दूर हो गए। फैमिली स्ट्रगल्स की वजह से जिस म्यूजिक ने उन दोनों को एक किया था, कुछ सालों के बाद वही म्यूजिक उनके बीच आ गया। उन दोनों के बीच हमेशा झगड़े होने लगे। हेलो बोलना। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया यार, कल सुबह आ जाऊंगा। ओके ना, जरूर आऊंगा। बाय। अरे कुछ भूल तो नहीं क्या? सुनिए जी, इतनी जल्दी रेडी हो गए, आइए। लेकिन कहाँ जाने के लिए? हमारे मूर्ति जी की बेटी की शादी है, जल्दी चलिए, लेट हो रहे हैं। मेरे दोस्त को डायरेक्शन का मौका मिला है, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर रिकमेंड किया है, तो मैं डेमो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज तुम ऑटो से चली जाओ ना। 20 सालों से जो चांस नहीं मिला वो आपको अभी मिल जाएगा क्या? इसीलिए कीबोर्ड उठा के इतनी जल्दी में जा रहे हैं आप? चुपचाप से ये सब रहने दीजिए और मुझे कार से शादी में छोड़ के आइए, समझ गए? मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ में मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए आया हुआ एक अच्छा मौका है ये, प्लीज मुझे जाने दो। वो सब मुझे नहीं पता, अभी आप आएंगे या नहीं? मेरी बात तो सुनो। आएंगे या नहीं आएंगे? बस एक बार जाने दो। छह, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक्चुअली मम्मी पापा को कभी समझ ही नहीं पाई और ये बात मैं समझ गई थी। हाँ।
हमेशा आकर मनाने वाले इंसान आज अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं चले गए क्या? मेरी प्यारी बेटी, कहते हैं कि हर आदमी की जीत के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह हर आदमी के फेलियर के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये मेरा अनुभव कहता है। तुम्हारी जिंदगी में किसी दिन एक आदमी आएगा और उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई गोल जरूर होगा। दया करके उसे इनकरेज करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है, क्योंकि आदमी की इच्छा दिल की तरह होती है। वो इच्छा अगर मर गई तो समझो वो आदमी भी मर गया। उम्मीद है मेरी बात को समझोगी। प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी है। वो जो जिंदगी चाहता था वो उसे मिल जाए, बस यही चाहती हूँ, इसलिए नहीं बताया। हेलो। हाँ बोलो ना माँ। हाँ ले लिया माँ, ले लिया, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। पहली बार देखे हुए प्यार से ज्यादा उसका मन जानने के बाद पैदा हुआ प्यार ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हे, आपको क्या खाना पसंद है? लेमन राइस। बनाना आता है? हाँ, दरअसल आता है, कहूंगा तो शायद बनाने को कहेगी। दरअसल मोस्टली वो लेमन से ही बनता है ना वो। अजीब हो, खाना पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता। ठीक है, खेतों में चलकर कुछ खाते हैं। खेतों में जाके खाने के लिए मैं कोई जंगली आदमी हूँ? देन गो एंड कुक। खेती बेटर है, चलो चलते हैं। हल्की सी बारिश हो रही है लगता है, छाता लेकर चले क्या? बारिश में भीगने से कुछ नहीं होगा, चलो। ओके। हे, वैसे आप हमेशा फोन में रिमाइंडर क्यों रखती हैं? मेमोरी पावर कुछ ज्यादा है ना। ओहो, आपकी लव स्टोरी अच्छी है लेकिन क्या है ना, लड़कियां जितना भी कोशिश कर ले देवदास नहीं बन सकती। पता है क्यों? तुमको दाढ़ी नहीं आ सकती ना, इसलिए। मार दिया ना, बेकार जोक। खेतों में चलते हैं, खेतों में चलते हैं कहकर यहाँ ले आई। यहाँ खाने के लिए क्या मिलेगा? पहले आप अपने हाथ पैर धो लो, उसके बाद ले चलूंगी। हे, यहाँ जो चेन रखी थी वो कहाँ गई? ओ शिट, इसकी तो अभी अभी पत्थर समझ के फेंक दी। यू थ्रू माय चेन, चलो ढूंढो। मुझे स्विमिंग नहीं आती। दादाजी की याद में रखी थी। कोई बात नहीं, मैं दूसरी खरीद के दे दूंगा। आई एम रियली सॉरी, ये देखो यहाँ पर पत्थर रखा हुआ था और मैंने फेंक दिया। दिमाग ही नहीं है, चलो चलो ढूंढो। अरे बाबा, लेकिन कैसे लाऊं? मुझे वो रिंग चाहिए। आई एम रियली सॉरी। अपने पास रख के मुझे तंग कर रहे थे? हाँ? अरे, ओ, ओ, नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़। हे, हाँ? एक बात बताऊं तुम्हें? मैं अपनी लाइफ में सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को अभी देख रहा हूँ। सेकंड? फर्स्ट कौन है? तुम ही हो, बट हंसती हो तब। यू क्रेजी। वही लड़की लाइफ है। ये बात जब दिमाग में फिक्स हो जाती है तो हमारे दिल में एक घंटी बस। मैंने कहा था ना कि बारिश होगी। तुम खुश होते हो तो भविष्य बताते हो क्या? सही कहा। चलो चलो चलो। हेलो, क्या हुआ? बात कहाँ तक पहुँची? रिश्ता तय हो गया क्या भैया? रिश्ते का तो पता नहीं लेकिन मेरा दिल तो मैंने उसे दे दिया है। और उसका क्या? मे बी। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं अभी कंफर्म करती हूँ। ओके।
ब्रश कहाँ है? डॉक्टर श्रुति, मतलब फोटो में अमर के बगल में जो है वो श्रुति है, तो फिर वो लड़की? भैया आप अभी कहाँ पर हैं? अमर और श्रुति तो मंदिर गए हुए हैं, आपके साथ जो है वो श्रुति नहीं है। मुझे भी अभी पता चला, सर्टिफिकेट देखा मैंने। जो सब कुछ हुआ है उसे तुमने बताया तो नहीं ना? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए फोन कट कर दिया। ओके, वो कौन है क्या है पता करके दोबारा कॉल करता हूँ। वो तो ठीक है, पर सीरियसली हार्ट वर्ड एक्सचेंज तो नहीं कर लिया ना? मेरा हार्ट कोई शोरूम है क्या जो जब चाहे तब एक्सचेंज कर दूं? क्या हो रहा है, ऑरेंज के साथ खेल रहे हो? यहाँ मेरी जिंदगी के साथ एक इंसान खेल रहा है। क्या मतलब? कुछ नहीं, पर आपने MBBS कहाँ से किया? कॉलेज में। वही, कौन से कॉलेज से पूछ रहा हूँ? क्यों, जो स्टॉप चला गया उसके बारे में बात क्यों करनी, आने वाले स्टॉप के बारे में बात करते हैं ना। इसलिए बीच में एक बस स्टॉप मिस हो गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे तुम्हारी लव स्टोरी कैसे खत्म हुई ये तुमने बताया, लेकिन स्टार्ट कैसे हुई ये तुमने भी नहीं बताया ना। मिसअंडरस्टैंडिंग से लव हुआ, अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हो गया। वो सब छोड़ो, आप डॉक्टर हो ना, किसमें स्पेशलिस्ट हो? अरे बहुत साल पढ़ाई की, अब मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। देखिए आपने मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा, मैंने बताया, अब आप अपने बारे में बताइए। मैंने मेडिकल किया है भुवम्मा मेडिकल कॉलेज से। कौन सी अम्मा, भुवम्मा मेडिकल कॉलेज? ये कहाँ पर है? जहाँ भी हो तुम्हें उससे क्या, तुमने पूछा कौन सा कॉलेज, मैंने बता दिया। अब स्पेशलाइजेशन भी जानना चाहते हो तो ऑप्कोपोलॉजी। ऑप्कोपोलॉजी, ये एक मेडिकल टर्म है, तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो तो ठीक है, पर मैंने कभी भी डॉक्टर सर्टिफिकेट देखा नहीं। आप एक बार वही सर्टिफिकेट एक बार दिखाओगी तो मैं देख लूंगा। ओके ओके, तुम्हें सच पता चल गया है, ये मैं जान गई हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मुझे श्रुति कौन है ये पता चला है। तुम अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर आने को क्यों कह रहा है ये? असल में ये सब क्या ड्रामा है, कौन हो तुम? एक्चुअली मैं और श्रुति फ्रेंड्स हैं, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ आई थी, और इतने में तुम्हारी बहन ने फोन कर दिया तो मैंने श्रुति बन के बात कर ली। उसने कहा कि तुम श्रुति को देखने आ रहे हो, श्रुति बहुत ही मासूम है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे कैरेक्टर का पता लगाने के लिए मैं थोड़ी एक्टिंग कर लूं। सॉरी। असल में क्यों आई हो आप यहाँ पर? शादी का इन्विटेशन देने के लिए। शादी? किसकी शादी? हाँ मेरे मॉम डैड की, मेरी। यकीन नहीं हो रहा है ना, एक मिनट दो, ये देखो। ये भी कार्ड दे रही है? हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन के बीच में भले ही कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, लेकिन क्लाइमेक्स में हीरोइन हीरो को ही मिल जाती है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होगा सोचा था, लेकिन इतना इमोशनल होगा ये सोचा नहीं था। ओके, अब मैं जा रही हूँ, तुम निकलोगे तो चाबी विंडो पर रख के जाना। बाय। डुप्लीकेट डॉक्टर, मुझे अवॉइड करने का ट्राई कर रही हो ना? हाँ, इसलिए ये नया नाटक है ना? तुमने जो वेडिंग कार्ड दिया है वो कब का एक्सपायर हो गया है? देखो तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जात पात, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, इससे मेरा कोई लेने देना नहीं है। आई जस्ट लव यू। अगर मैं शादी करूंगा तो बस तुमसे ही करूंगा। तुम यहाँ डॉक्टर से मिलने आए थे और डुप्लीकेट में फंस गए। देखो कुछ मौकों में हम जिस प्लेस पर जा रहे होते हैं उससे ज्यादा रास्ते ही अच्छे होते हैं। सच कहूं तो यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें देखा था, तभी प्यार में पड़ गया था। ऐसे कैसे, देखते ही प्यार कैसे हो सकता है? Why not? तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स पता करके मैंने शादी कर लिया, ऐसा समझ लो। वो अरेंज मैरिज होगा, पर लव मैरिज कैसे होगा? वैसे तुम क्या चाहते हो? हाँ, I just need you।
कहोगे तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। एग्जैक्टली exactly. वैसे मैं तुमसे प्यार करूंगी, ये तुमने कैसे सोच लिया? लुक, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही हमने एक बॉल को जोर से दीवार की तरफ फेंका तो उतनी जोर से दीवार बॉल को वापस फेंकेगी। ऐसे में फूल जैसा दिल है तुम्हारा, मुझसे प्यार नहीं करोगी? चाहे कितने भी अच्छे फील्डर हो, कभी ना कभी तो कैच मिस करोगे ही ना। अगर वो कैच मैं ही हूँ तो क्या करोगे? लड़कों का प्यार ना स्लो पॉइजन जैसा है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तो अब चुपचाप अपने रास्ते चले जाओ। यू नो व्हाट, यू आर मिस्टेकन। लड़के कभी भी अगर पहले प्रपोज करेंगे तो लड़कियों को बहुत बेनिफिट्स होते हैं, पता है? यू नो लाइक माँ बाप की रोक टोक नहीं होती, रिश्ता देखने नहीं आएंगे और दहेज नहीं देना पड़ता है। जस्ट पैर धोके कन्यादान किया तो भी काफी है, पलकों पे बिठा कर रखूंगा। दहेज के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट है क्या? इसे ऐसे नहीं फुल्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं दहेज लूंगा तो लोग मुझे लालची कहेंगे, और अगर नहीं लूंगा तो डिफेक्ट है ऐसा समझते हैं। वैसे इस विषय में हम लड़के असल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। डायलॉग बाजी बहुत करते हो। सपोज लड़की वाले कुछ देने के लिए फोर्स करें तो? इसमें क्या है, कुछ एक या दो मांग लूंगा। क्या 2 करोड़? नहीं, सोना। फॉर एग्जाम्पल मुझ जैसे एक हैंडसम गाय ने तुम जैसी एक एवरेज लुकिंग लड़की से शादी कर ली, समझ लो। अरे जस्ट समझो, सी कल सुबह हमने शादी करने के बाद तुम्हारे चार्म से और मेरे फॉर्म से, ये कूल वेदर से तुम 100% प्रेग्नेंट हो जाओगी। कॉन्फिडेंस को ज्यादा ही है तुम में। ये तो सबको ही पता है। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अभी मैं सडनली ऑफिस के काम से समझो ऑफिस चला गया, और तुम्हें उसी टाइम पर अगर पेन स्टार्ट हो गया तो तुम्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी या ऑटो तो मिलेगा नहीं, इसलिए एक छोटी सी कार। और क्या होगा, खुद का घर ना हो तो घर वालों तो छोड़ो, पड़ोस वाले भी नालायक समझते हैं, इसलिए हम दोनों को रहने के लिए एक छोटा 2-बेडरूम फ्लैट। तुमको बोर ना हो इसलिए एक 90-इंच LED टीवी, डिश का बिल मैं खुद ही भरूंगा। बहुत परेशानी हो जाएगी। आपके लिए इतना नहीं कर सकता क्या? वैसे मुझे एक छोटा सा डाउट। अरे रुको रुको, बेसिकली लड़कियों को मुझे देखकर प्यार होना चाहिए, पर आप क्यों इतने सारे डाउट पूछ रही हो? ज्यादा बोल रहे हो। ओके, चिलैक्स। इतना कुछ मांग लिया, कैश नहीं चाहिए क्या? ओह माय, ये तो सुपर आइडिया है, तुम्हारे पास बहुत सी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। तो तुम लड़के ना एक जैसे ही होते हो, पहले लड़की से प्यार करते हो फिर कहते हो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जब सब मिल जाए तो कहते हो तुम कौन हो। हेलो, प्यार करने पर जान देने वाले हम लड़के ही हैं। सच कहा, और लड़की मना करते तो उसकी जान लेने वाले भी लड़के ही होते हैं। हमने 1 सेकंड देखा तो काफी है, जिंदगी भर प्यार करते हैं। वही तुम लोग जिंदगी भर प्यार करेंगे कहकर अगर कोई एक गड़बड़ भी हो गई ना तो 1 सेकंड में भूल जाती हो। जी, लड़की मना करे तो पागलों की तरह परेशान करते हैं लड़के। विश्वास तो पागल लोगों पर ही होता है ना। अरे कितना चला रही है। वैसे हम आए कहाँ हैं? हाँ पता है, मैं यहाँ मशरूम्स उगाती हूँ। इतना बड़ा घर है, यहाँ पर तो हाथी भी पाल सकते हैं। इन हाथी घोड़ों को तुम बाद में पालना, पहले अपनी एक्सपायर्ड लव स्टोरी के बारे में बताओ। नो वे, मैं लेडीज की बहुत इज्जत करता हूँ, लेडीज फर्स्ट। इसलिए तो मैंने तुमसे पहले पूछा। सॉरी। इट्स ओके, मेरी फ्लैशबैक की एंट्री इस फ्रंट डोर से देता हूँ, तुम्हें चलेगा ना? ओके कम। हेलो। अच्छा, अरे उठ यार, रिजल्ट आ गया। हिंदी पास, मैथ्स जस्ट मिस। मरी मिगता भी बचा हुआ कंप्लीटली मिस। और तेरा? हिंदी। अरे बाप रे, इंग्लिश। अरे माँ, मैथ्स। अरे माँ, अच्छी। I failed in English, man. It's impossible. रिजल्ट आया देखना। दिन भर पढ़ने वाले अगर तुम ही फेल हो गए तो कुछ ना पढ़ने वाला मैं कैसे पास हो सकता हूँ? तू मुझे डिस्टर्ब मत कर यार। हम सब फेल हो जाए तो चलेगा, पर तेरा पास होना बहुत जरूरी है। और उस भगवान को देख, बस एक बॉल में 4 विकेट, धमाल। क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट है, डेबिट कार्ड में डेबिट है, पर मार्कशीट में मार्क्स ही नहीं है। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ही है ना, तो और 1 साल पढ़ लेते हैं। एग्जाम में फेल होके क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए जब मैं आ रहा था तो एक टर्निंग में एक छोटे से बच्चे ने मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे दिया। ठीक है ना? अरे वहां क्यों देख रहे जब मैं तेरे से बात कर रहा हूं? अबे ओए, तुझसे ही बात कर रहा हूं। हेलो, वहां क्यों देख? पीछे से तो सब अच्छे ही दिखते हैं, पर सामने से देखने पर ही असल बात पता चलती है। देखूंगा तो अच्छा होगा ना।
बार देखूं ऐसी सुंदरता भी नहीं थी, बार बार सपने में आने वाला फिगर भी नहीं था, उसके कर्ली हेयर्स नहीं थे, ब्लू आईज भी नहीं थी, फिर भी कुछ तो अट्रैक्शन था। एक्सक्यूज मी। यस। कुछ नहीं, आपको एक बात बतानी है। व्हाट? देखते ही लगा कि प्यार करूं, इसलिए पहले ही परिचय करने के लिए आ गया। हाँ? और उसके बाद? परिचय होने के बाद क्या, पीछे पड़ना, फोन करना, मिलकर घूमना, फ्रेंडशिप्स, शॉपिंग मॉल्स, मूवीज, यू नो, ड्राइव्स एटसेट्रा, उसके बाद धीरे धीरे मन की बात बता। तब तक वैसे भी तुमने मुझे फ्रेंड समझा था, ये कहकर रिवर्स हो जाओगी, ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, इसलिए डायरेक्टली मैटर पर आ गया। तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई, लव करूंगा तो अच्छा होगा ऐसा लगा। लगता है मूवीज बहुत ज्यादा देखते हो, किसी और को ढूंढ लो। वाओ, सभी लड़कियां अगर यही बात कहेंगी तो लड़कों का क्या हाल होगा? यहाँ कुछ नहीं होगा, चलो हटो सामने से। हेलो, इतना भी महान फिगर नहीं है तुम्हारा, तो मेरे पीछे पड़े क्यों हो तुम? लगता है मेरा टेस्ट ही गंदा है। इडियट। वो लड़की पता नहीं क्यों मुझे सामने से भी बहुत पसंद आ गई थी। हर तरफ से पत्थर फेंक रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मिस क्यों हो जाता है। कौन से पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान लूँ ये पता नहीं है। 10 गायों को चारा डालने से अच्छा है एक गाय को 10 बार चारा डालूं, तो कभी ना कभी तो बात पक्की। सिंपली वही लॉजिक अप्लाई किया। मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे आए ना तो अच्छा नहीं होगा। ओके 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 ओके, चल चल, अब कौन सा अच्छा है? तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? क्यों नहीं है, एक बहन है ना, वही तो भाभी चाहिए कहकर जिद कर रही है। Why are you irritating me? तुम्हारे पास और कोई काम देना नहीं है क्या? मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मुझ जैसे लड़के के पास लड़कियों से प्यार करने के अलावा और क्या काम होगा? Get lost. हमेशा पीछे आने वाले डॉगे की अगर चेन निकाल देना तो वो भी आगे जाता है, पर तुम तो पीछे ही पड़े हुए हो। मेरे अंदर विश्वास ज्यादा है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। ए, मेरे भैया कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, पता है? तुम्हारे भैया तो सिर्फ कराटे में ही ब्लैक बेल्ट है, लेकिन मैंने जो पैंट पहनी है ना उसमें भी ब्लैक बेल्ट है। वन सेकंड। हाँ, ब्लैक है। क्या चाहते हो? फ्रेंडशिप। मैं पहले ही इरिटेटेड हूँ क्योंकि फोन नहीं चल रहा है, तो मेरा दिमाग और खराब मत करो। अब आपका दिमाग खराब नहीं करूँ तो और किसका कर सकता हूँ। वैसे फोन काम क्यों नहीं कर रहा है, जरा दिखाओ तो। 9848612300। रिंग तो हो रही है, इट्स रिंगिंग, ये देखो। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। अच्छा, ये मेरा दूसरा नाम है। ओके, फ्रेंड्स? ओ या, फ्रेंड्स। हाँ, जस्ट फ्रेंड्स। हाँ, जस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, तुम्हें मेरा फोन नंबर बताओ। क्यों, अभी तो मिस कॉल दिया ना। या, आई गॉट इट। ओके, बाय बाय। जाल में मछली और प्यार में लड़की फंस ही जाती है, फंस जाएगी। लड़की चेहरे पर स्कार्फ बांधकर लड़के के बाइक पर बैठ गई तो समझो वो प्यार में गिर गई। वाओ, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, इसलिए लवर्स बहुत आते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? शक्ल ऐसी क्यों बना ली, ऐसे कैजुअली पूछ लिया, बताओ ना। बस एक दो क्रशेस हैं, पर हार्ट तक कोई अब तक पहुंची नहीं है मेरे। अच्छा ठीक है, पर पहले जिप लगा लो। इसमें क्या है? ओ शिट, मैं समझा बैग की जिप। सही समझे थे, बैग की ही खुली है। ड्रॉप करके आधा घंटा भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी फोन शुरू भी हो गया इसका। अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कॉफी पीते हुए तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में बाद में सोचना, फिलहाल जल्दी से टीवी ऑन करो। क्यों, क्या हुआ? देखने के बाद तैयार होकर यहाँ आ जाओ। ओके ओके। खाली ग्लास वाटर एक्सपेक्ट करता है, अकेला लड़का लवर एक्सपेक्ट करता है, पर हम लोग लव नाम की यूनिफॉर्म पहनकर उस पर फ्रेंडशिप लिखकर घूम रहे हैं। लेमन राइस बहुत बढ़िया है। रात के बचे हुए राइस से बनाया। इसलिए इतना टेस्टी है क्या? तुम्हें लेमन राइस बहुत पसंद है क्या? भूख लगने पर घोड़े ने अगर गीली घास खा ली, मतलब भूख लगने पर कोई भी फूड स्वादिष्ट होता है। अच्छा ठीक है, तुमने टीवी देखा क्या? देखा देखा, तुमने कहा था ना वही वो मर्डर मिस्ट्री, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। कहीं वो मर्डर तुम्हारे भैया ने तो नहीं किया है ना? छी छी,
नहीं नहीं हाँ। उस न्यूज रीडर की उंगली में जो रिंग थी वो देखी क्या? मंदिर जाने पर भगवान देखते हैं, लेकिन पुजारी ने कौन से कलर की धोती पहनी है ये देखने की आदत मुझ में नहीं है। अपने डायलॉग्स ना बगल में रखो, जो कह रही हूँ वो सुनो। बोलो ना। उस न्यूज रीडर ने जैसी रिंग पहनी थी वैसी ही रिंग मैं भी पहनना चाहती हूँ। इच्छा तो बहुत अच्छी है। एक हफ्ते पहले फ्रेंड को बर्थडे पार्टी देने के लिए बहन के पास से पैसे मांगे, अभी दोबारा अगर पैसे मांगे तो मैं तो गया फिर। मैंने क्या आज ही खरीदने को कहा है? खाकर टिफिन वापस करो, मुझे जाना है। प्यार में मधुरता है, त्याग है, अमर है, पर दोस्ती में निरंतरता है, स्वाभिमान है, गौरव है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपना भाषण बंद करके अकाउंट नंबर मैसेज कर दे। अभी मैसेज करता हूँ भाई, जल्दी कर देना यार, यहाँ ऑलरेडी इंतजार शुरू हो गया है। या बाय। ओके बाय। आहा, रिंग कहते ही चेहरा कैसे खिल उठा है। यू नो माही, प्यार के बारे में पूरी तरह जानने वाले लव में फेल हो जाते हैं, वही प्यार का एबीसी जिन्हें नहीं पता वो सक्सेस हो रहे हैं। सो लव ऐसा होता है वैसा होता है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुम अपनी बेकार सी पॉलिसीज को फुल स्टॉप देकर हमारे फ्रेंडशिप को प्यार की तरफ डाइवर्ट करोगी तो बेटर होगा, ऐसा मेरा मानना है। तुमने पेंसिल मांगी थी तब समझ गई थी कि तुम रबड़ भी मांगोगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे मांगने पर तुरंत दे दोगी। हाँ? नहीं कुछ नहीं। माही, एक बार मुझे तुम्हें साड़ी में देखना है। मेरी शादी में देख लेना, या तो दूल्हा बनकर या गिफ्ट देने वाले गेस्ट बनकर। ओहो, क्यों? पंडित बनकर अगर आ गया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? शादी होने के बाद बच्चे पैदा होने के लिए 9 महीने वेट करना पड़ता है, बट फ्रेंड्स होने के बाद प्यार पैदा होने के लिए कुछ सेकंड्स ही काफी है। ये लो, गिव मी योर हैंड। आई लव यू वन। आई लव यू टू। शादी के बाद भी मैं जो मांगूंगी वो लाकर दोगे ना? मछली पकड़ में आने के बाद मछुआरा दोबारा चारा क्यों डालेगा? हाँ? सही कह रहा हूँ ना? कांग्रेट्स भाई, सुना है कि माही पड़ गई। बिल्कुल सही है। कांग्रेट्स भाई। अरे थैंक यू। वैसे एक बात बता, तूने आई लव यू वन क्यों बोला? ए पगले, तुझे पता नहीं है? आई लव यू वन मतलब तुम ही मेरा फर्स्ट लव हो, ऐसा मतलब है। पागल कहीं का। तो लड़की ने आई लव यू टू क्यों कहा? तुझे क्या करना है? इट्स ओके। चीयर्स गाइस। चीयर्स। ठंड लग रही है ना? हाथ हटाओगे जरा? तुमसे ही कह रही हूँ जो हाथ पकड़ा हुआ है। ओह सॉरी यार। क्या हुआ? क्या होगा, स्वर्ग दिखाई दिया और फिर चला गया। दिन में सपने देखोगे तो मूड ऑफ होगा ही ना? जिंदगी भर जो हाथ पकड़ना है उसे पकड़ते, छोड़ने को कहा तो मूड ऑफ ही होगा ना। अब क्या डांस करें क्या? हार्ट क्यों हो रहे हो? मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, मुझे जाना है। अब मैं जब मिलूंगी तो तुम्हें हाथ पकड़ने दूंगी। अच्छा, तो फिर मैं भी हाथ लगाऊंगा। मेरे लव को नेक्स्ट लेवल ले जाने का सोच रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल मतलब क्या है ये सोच रहे हो ना? लव में गिरने के बाद भला कितने दिन तक ऐसे एक दूसरे को देखते रहेंगे? वो हगिंग्स, टचिंग्स, किसिंग्स, वो कुछी कोइंग्स, अरे बहुत कुछ है। आइडिया। Hey, my good news! Damn good news! What a news, you know? क्या है good news बताओ? मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। You know, I'm really happy. I'm so happy, my. Hey, तुम ऐसे ही चिपकते रहोगे ना? तो good news मैं बताऊंगी। Hello? Yeah, I'm a little busy. I'll call you back, okay? Bye. क्या है? किस चाहिए? नहीं मिलेगी। और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे? मुझे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना है। लड़के सभी लड़कियों के साथ कबड्डी खेलना चाहते हैं, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। हैप्पीली चलने वाले मेरे प्यार को सडनली एक दिन ब्रेकिंग न्यूज मिली। क्यों रे भाई, बहन कैसी है? या शी इज फाइन। भाई तुझसे एक सवाल पूछूं क्या? छोड़ना यार, सुनने का मूड नहीं है। सुनने का मूड नहीं है क्या? ठीक है, जो सुनेगा उसे कहता हूँ। हेलो कस्तूरी, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ रवि, सुनाई दे रहा है। आज हमारे अभी की लवर माही को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़कों की तरफ से सभी लोग आ गए हैं। वहाँ के हालात कैसे हैं कस्तूरी? यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उस दिन मैं सच में बहुत डिस्टर्ब था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। टेंशन में ना ही मैंने सिगरेट जलाई और ना ही मैंने शराब पी, बल्कि जो मुझे पसंद है वो बना के खा रहा था करेक्टली उसी टाइम।
चावल उबलते ही जैसे झाग आता है वैसे वो वहां पर आ गई। फोन कर रही थी तो उठा क्यों नहीं रहे थे? हाथों में ताकत नहीं थी इसलिए। वो सब ठीक है, पर मैं यहाँ पर हूँ ये तुम्हें किसने बताया? कस्तूरी ने। तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? मेरे घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया इसलिए। तुम इतनी खिली हुई क्यों लग रही हो? मेरे घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर आ गया है इसलिए। मतलब एक्स्ट्रा सिलेंडर है तो जल्दी घर में कोई फंक्शन होने वाला है। ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? कितना भी एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नया ही होता है, ऐसे बताना पड़ता है। अगर तभी स्वाभिमान चला गया फिर भी इज्जत तो मिलेगी। देखो मई, भले ही तुम मेरी बात नहीं समझोगी लेकिन एटलीस्ट मेरे मन की फीलिंग समझोगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तुम किसी टेंशन में हो, मैं अभी जाती हूँ। मैं जा रही हूँ। कितनी बार बताओगी, ऑटो के लिए पैसे नहीं है क्या? छी। ए कस्तूरी, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब माही को बताना जरूरी था क्या? वो एक्चुअली उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे हैं तो अर्जेंटली तुमसे बात करनी है कहकर टेंशन में उसने पूछा तो बता दिया। जुबान घायल हो तो दर्द होता है, पर वही जुबान के कारण अगर कोई घायल हुआ तो उन्हें बहुत दुख होता है। मुझे माही को सॉरी कहना होगा। उस दिन होली थी, माही को सॉरी कहकर उसके साथ होली खेलनी थी। हे माही, आई एम सॉरी। क्या बात है, बहुत ग्लो कर रहे हो। गैस सिलेंडर आ गया क्या? फ्री डिलीवरी भी। पता है कभी कभी तुम मेरी फीलिंग समझते नहीं हो। कुछ चीजें पास होने की बजाय दूर होती है तभी उनकी वैल्यू पता चलती है। ओह माय गॉड, बंदर जैसा दिख रहा है, कौन है ये? अरे मेरे भैया है। मतलब वो कराटे में ब्लैक बेल्ट? अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास डिग्री तो है ना कोई जॉब मिल जाएगा, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। दरअसल वो एक दो सब्जेक्ट चले गए हैं। ओ नो, अब बता रहे हो, अगर घर वालों को पता चल गया ना तो इस बात के लिए मना कर देंगे। hey, क्यों क्यों क्यों, मेरा फ्रेंड नई कंपनी ओपन कर रहा है ना, उसमें मुझे मैनेजर की पोस्ट देगा कह रहा था, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हेलो, जब काम करने की चाह होती है ना तभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पर काम पूरा हो जाने के बाद अपना रास्ता खुद देखना होता है, अपनी लाइफ खुद देखनी होती है। हेलो, मेरी जिंदगी मैं ही देख लूंगा और संभाल लूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा मिस कॉल देने वाली लड़की सडनली फोन करके अर्जेंटली बुलाने पर ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है। हाय। अभी एक काम करें क्या? बोलो। हम भाग चलते हैं। नहीं नहीं, मर जाते हैं। अभी तुम किसी बात को सीरियसली नहीं ले सकते। तो मैं क्या कहूँ माही, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ तो मेरी बहन की क्या हालत होगी? मैं भी तो रिस्क ले रही हूँ ना, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। उसे छोड़कर आना मुझसे नहीं होगा। तो अब ये बताओ कि मैं क्या करूँ? प्लीज माही, मेरे लिए बस 2 साल अपने घर वालों से टाइम मांग लो, अब इस बीच मुझे जॉब भी मिल जाएगी और बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता देकर शादी करवा दूंगा। नो वे, चांस ही नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो एक काम करते हैं, कमिट हो जाते हैं तो वो खुद ही करवा देंगे। जरा भी सीरियसनेस नहीं है तुम्हारे अंदर, साथ जीना मुश्किल होगा। सीरियस का मतलब बहन को छोड़कर आ जाना है क्या? प्लीज माही, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसने जहां बुलाया मैं चला गया, ऐसे में जिंदगी मिलकर जीने के लिए बुलाया तो मैं नहीं गया, बट मेरी सिचुएशन भी उसे समझनी चाहिए थी। हमें प्यार करने वाली लड़की अगर साथ ना हो तो कितना मुश्किल होता है, मुझे तभी समझ में आया। कैंटीन में 2 कॉफी ऑर्डर करके अकेले बैठ के पी रहा था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइनेंस, इंश्योरेंस वाले, मोबाइल ऑफर वाले, आखिर में उधार वालों के भी फोन पर फोन आ रहे थे, लेकिन मेरे लवर से मुझे एक भी फोन नहीं आया। मुझे बहुत दुख हुआ। मेगा स्टार की फिल्म के लिए जैसे फैंस वेट कर रहे होते हैं, मैं भी माही के फोन का उसी तरह से वेट कर रहा था। आखिर में फिल्म रिलीज हो ही गई, उसी तरह मेरी माही का भी मुझे फोन आ गया। हेलो, अरे कहाँ चली गई थी तुम, फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था तुमने। वो सब मैं बाद में बताती हूँ,
एक घंटे में पार्क में आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। एक घंटे में रेडी हो पाएगी क्या? लड़का दिए हुए टाइम पर नहीं आता है, लड़की टाइम पर रेडी नहीं होती, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों दोनों राइट टाइम पर थे। सिगरेट, शराब, पान, गुटखा, गांजा, ड्रग्स, इन सबसे ज्यादा लड़का जब अपने लवर को साड़ी में देखता है तब उसे ज्यादा किक मिलती है। क्यों, आज बहुत खुश लग रही हो? आज मैं हैप्पी हूँ इसलिए लग रही हूँ। ओ, इतना ही है या तुम्हारे घर में दोबारा कुछ? अभी पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखने में बहुत ही सेक्सी लग रही हो। हाँ? पूछा तो बता दिया। ठीक है, स्कूटी पर बैठो। वैसे अगर कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं पूछना नहीं चाहिए क्या? सही कहा, नहीं पूछना चाहिए। ओ, बोर्ड देखे बिना बस में बैठ गए तो वो कहाँ ले जाएगी पता नहीं। उस वक्त मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी, उसके साथ वो पल स्वर्ग की तरह लग रहा था। वो मेरे पसंद की बिरयानी लेकर आई थी, बहुत सारी बातें बताई, जोक्स किए, मेरे साथ बुक क्रिकेट भी खेली। उसी तरह वो मुझे मेरे पसंदीदा प्लेस पर भी ले गई, बट पता नहीं क्यों स्वर्ग के बाद का स्टॉप नर्क है ऐसा छोटा सा डाउट आया। अभी ये लो तुम्हारे लिए कॉस्टली गिफ्ट। हे, तुम मुझे कॉस्टली गिफ्ट दे रही हो क्या? ओह माय गॉड, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने जो रिंग दी थी वो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह से कंटिन्यूस बात करने वाली लड़की शाम को साइलेंट हो गई तो कोई प्रलय आएगी ऐसा मैंने सोचा। आके आधा घंटा हो चुका है, कुछ बताना है कह रही थी ना? बताना तो है पर कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। उस दिन बारिश आने की भी कोई सूचना नहीं थी, फिर भी मेरे दिल में बेचैनी और उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने जो रिंग दी उसकी जगह तुम्हारी उंगली में दूसरी रिंग देखी तभी मैं समझ गया था कि तुम मेरी नहीं हो सकती। दिखाओ, नहीं है ना? बहुत चमक रही है, ये देखो, ये सिम भी फेंक दिया। कॉल्स नहीं कर पाऊंगा, कॉल्स नहीं आएंगे, फेसबुक का भी अकाउंट डिलीट कर दूंगा। अब से मेरा प्यार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यू नो, इन फ्यूचर कोई भी सिनेमा थिएटर या कोई भी शॉपिंग मॉल में तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें मिला तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा जैसे तुम्हें जानता ही नहीं। आई स्वेयर, इट्स अ प्रॉमिस। बट तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए ना तो मैं हूं, ये बात तुम भूलना मत। बाय चांस तब तक अगर मेरी शादी हो गई तो पुराने फोटोज में भी मुझे ढूंढना मत, ओके? क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया वैसे मैं अपनी वाइफ के साथ चीट नहीं कर सकता। ये लो तुम्हारा कॉस्टली गिफ्ट, एक्सपर्ट मेडिसिन, जान के लिए खतरा होती है। पर तुम तो हमेशा मुझसे गिफ्ट लेना चाहते थे ना। हेलो, मैं मरने के लिए रेडी नहीं हूँ जो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर रही हो। वैसे भी छोटी छोटी आशाएं पूरी करके तुमने मेरी जिंदगी उधार की बना दी ये मत सोचना। मेरी एक ही आशा है, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। तुम एक बात बताओ, लड़के बाहर से भले ही कितने भी सिली दिखाई दे लेकिन मन से बहुत ही सीरियसली प्यार करते हैं, वही लड़कियां सीरियसली प्यार करते हुए दिखाई देने पर भी दिल से उसे यूं ही निकालकर फेंक भी देती हैं। एनीवेज, मेरे जैसा हर जाने वाला प्रेमी आखिर ऐसा ही कहता है, तुम जहां पर भी रहो, जिस किसी के साथ भी रहो, खुश रहना, जस्ट बी हैप्पी। चलकर जाओगे क्या? मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तुमने मुझे पहले ड्रॉप कर दिया अपनी जिंदगी से, वैसे भी मैं कैसे जाऊंगा तुम्हें क्या? मेरे बारे में सोचकर लाइफ मत खराब कर लेना, तुम भी तो किसी ना किसी से शादी करोगे ना। लाइट गई इसलिए अंधेरे में तो नहीं रह सकता ना, एटलीस्ट कैंडल तो ढूंढ ही लूंगा। लड़कियों को छोटा सा भी दुख हो तो रोकर आंसू के द्वारा फीलिंग्स को बाहर भेज देती हैं, बट लड़के भले ही कितना भी दर्द हो मन में छुपाकर फील करते रहते हैं। हे हाय, इतने उदास क्यों दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कुछ नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया ना। ओह भैया, आज अमर ने मुझे लेटर देके प्रपोज किया है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं पूछकर बताती हूँ।
तुम्हें वो पसंद है? अमर अच्छा लड़का है, किसी बात की टेंशन नहीं लेता। आई लाइक हिम। ओके, बट मुझे पसंद नहीं है। पर क्यों? क्योंकि तुम उसी लड़के से शादी करोगी जिसे मैं पसंद करूंगा। ओहो, तो तुम प्यार कर सकते हो? देखो, बहन प्यार करती है तो कोई भी भाई जल से नहीं मानता है। तुम जब तक नहीं मानोगे वेट करूंगी, पर शादी उसी से करूंगी मैं। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। यही बात माही के भाई से माही क्यों नहीं बोल पाई? कुछ अच्छा करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया था तो भगवान खुद ही सामने आ गए। गुड मॉर्निंग सर। सर आप, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आप यहाँ पर। अभी अभी बस करिए सर, के रिजल्ट का क्या हुआ? 98% सर। अच्छा, वो 52%। ये भी सच नहीं होगा ना? आपके सब्जेक्ट ने सुसाइड किया है, मैं क्यों करूँ? इतना कूल होके बात कर रहे हो, लाइफ को कैसे डील करोगे? उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया है सर। क्या है? एक अच्छी सी रिच लड़की से शादी करके पूरी लाइफ सेट कर दूंगा। तुम्हें एक सलाह देता हूँ। बोलिए ना सर। Just treat me as your friend. हाँ, अरे बोलना। Sorry sir. वो फ्लो में बह गया था। Sorry. देखो, हाँ, तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। It's okay. और तुम इतने में ही जिंदगी हार जाओ, ऐसा नहीं होता। हर इंसान में एक टैलेंट होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। तुम्हारे अंदर भी कुछ खास होगा। ओह, one second. मेरे फ्रेंड की एक एड एजेंसी है, मैं कॉल करके बता दूंगा, जाके इंटरव्यू दे देना, सिलेक्शन हो जाएगा। सर, बट मेरे आइडिया को आप खुद हेट करते थे ना सर। मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी और जेल की घंटी में बहुत फर्क होता है। सभी घंटी है, बट टाइम प्लेस सिचुएशन से हर घंटी का अर्थ बदल जाता है। उसी तरह एज ए स्टूडेंट तुम्हारे आइडियाज को कॉलेज में इस्तेमाल करना गलत है, बट एज ए पर्सन उसी आइडियाज को अपने करियर के लिए इस्तेमाल करना बहुत करेक्ट है। यू विल प्रूव इट। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्यों भाई? वो फेयरवेल डे पर आप पर पत्थर फेंकने वाला मैं ही हूं। आपका दूसरी लड़की के साथ अफेयर है, ऐसा क्रिएट करके आपकी वाइफ को लेटर लिखने वाला भी मैं ही था। आई एम श्योर ये बात आपको भी पता है। फिर भी आप मेरी लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। अपना स्टूडेंट भले ही परीक्षा में फेल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी में फेल नहीं होना चाहिए। हर अध्यापक यही चाहता है। गो अहेड, यू विल बी सक्सेसफुल। गुड लक। सर, बैक पेन भले ही हैवी हो, आपके पैर छूना चाहता हूँ। लेकिन इंटरव्यू कूल एसी रूम में होगा ऐसा सोचा था, पर रोड पर बम्पर ऑफर मिलेगा सोचा नहीं था। स्कूल जाने के लिए बच्चे रोते हैं, पर यहाँ टीचर्स खुद ही रो रहे हैं। एक आइडिया भी नहीं आ रहा है यार, बॉस ने दिमाग खा लिया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हाय, आई एम अभिराम। हाय, आई एम विजय। हाय, व्हाट्स अप गाइस, क्या प्रॉब्लम है? तुझे क्या करना है? एक बार बोल, हो सकता है कुछ बता दे। ये गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है ना, अरे बोलना। पैरों के लिए चप्पल जितनी जरूरी होती है ना, सर के लिए हेलमेट भी उतना ही जरूरी है। एड, इतनी वैरायटी का बता सकता है क्या? सर, गणेश सर। गणेश मतलब? लॉर्ड शिवाज एल्डेस्ट सन। वन फाइन डे पार्वती मैडम नहाने जा रही थी तो शैम्पू चाहिए कहा, तो गणेश यमहा बाइक पर शॉप जा रहा होता है तो सामने से दूसरी बाइक पर लॉर्ड शिवा डैश होकर बड़ा एक्सीडेंट होता है। कट करने पर गणेश का सिर कट होकर उड़कर गिर जाता है। पार्वती मैडम फुल्ली क्राई। तभी लॉर्ड शिवा उत्तर दिशा में सो रहे हाथी का सिर ले आके गणेश को फिक्स कर देते हैं। ऑल हैप्पीनेस। आफ्टर फ्यू डेज ऐसे ही गणेश का फ्रेंड बाइक पे जब जा रहा था, दोबारा एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। सेम सिचुएशन, उस फ्रेंड का सिर कट होके उधर गिर जाता है। तभी गणेश किसी भी तरह प्लीज मेरे फ्रेंड को बचा लो कहता है तो लॉर्ड शिवा बहुत समय सोचने पर, ऐसे जिस किसी का सिर कट जाएगा सबके लिए सिर ला के देना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ऐसे निकाल के देते हैं। वो क्या है जरा बताओ तो? क्या? हेलमेट सर, हेलमेट। वाओ, वेरी गुड, सुपर। अरे रुको यार, मैं डिस्कशन में हूँ ना। वही हमारे बॉस है भाई। ओ सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो कॉन्सेप्ट बताने में इन्वॉल्व हो गया था ना, इसलिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है।
अब तुम हो मेरे क्रिएटिव हेड और ये दोनों तुम्हारे असिस्टेंट। आज से ही तुम ज्वाइन कर लो। ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच सर। सैलरी के बारे में हम ऑफिस में बात कर लेंगे। हे, मैंने तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसका स्टोरी बोर्ड प्रिपेयर करो। ओके, आई विल सी यू इन द ऑफिस। एक्चुअली सर, आपके टीम के लड़के बहुत ही वीक हैं। दिया बुझने के बाद घर को उजाला करने का सोचते हैं। अभी मैं आ गया हूँ ना, हमारे ऑफिस में रोशनी रोशनी होगी। हेलो, अभी जी है क्या? या मैं एडकम एजेंसी से बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मंथली वन लाइन का पैकेज होगा। सर, अरे यार। हेलो सर, मैं लकी एड एजेंसी से बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। आप बहुत ही जीनियस हैं सर, आपको मंथली 2 लाख सैलरी दी जाएगी। इतने ऑफर्स आ रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपनी खुद की कंपनी ही खोल दें। हर सिनेमा में एक गैंग होती है, उसमें एक हीरो होता है। फाइनली वो हीरो जब अच्छी पोजीशन पर जा रहा होता है तो बाकी के गैंग हीरो को देखकर हैप्पी फील होकर एनकरेज करते हैं, पर वो वही रह जाते हैं। लेकिन मैंने मेरे गैंग को ऐसे नहीं छोड़ा। भगवान, उम्र हो गई है, बॉडी टूट चुकी है पूरी तरह से। या तो मुझे चुपचाप उठा लो, और नहीं तो रेस के घोड़े की तरह कोई सुंदर फिगर दे दो। डू समथिंग गॉड। And cut. Short हो गया। ये next shot पे करो। तुम dress change करो। चलो। जल्दी ले क्या? Hey, scene का paper कहाँ? हाँ इधर इधर। ये उधर घूम। हर महीने आ रहे current bill की तरह मेरी life correct set हो रही थी। बिना lover के life खाली सी हो रही थी। एक बार lover आने के बाद life में full energy आ गई। पर lover के जाने के बाद बहुत कुछ miss हो रहा था, ऐसा लग रहा था। पहला प्यार miss होने पर हर एक इंसान को बहुत दर्द होता है। मेरा हाल भी ऐसा ही था। लेकिन वो सारी memories लाइफ लॉन्ग हमारे पीछे ही रहती है। वो फिर से आखिरी बार मुझे दिखाई दी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? I'm fine. It's all fine. Bye. Bye. बहुत दुखी हुए ना? जिससे प्यार किया उससे दूर जाना बहुत ही दुखी बात है। प्यार के लिए मेरी बहन से दूर होना और दुख की बात है। इन दोनों में से कौन सा मुश्किल है सोचा तो मेरी बहन से दूर होना ही मुश्किल लगा। फिर भी माही को संभालने के लिए उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, पर मेरी बहन के पास मेरे सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए पहले मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे माही की शादी में गए थे या नहीं? मोबाइल गुम हो जाने के बाद कोई चार्जर के बारे में सोचता है क्या? जिस लड़की से प्यार किया उसकी शादी किसी और के साथ हो रही हो तो आशीर्वाद देने जितना बड़ा मन तो नहीं है मेरा। मतलब अभी भी दुखी हो ना? नो, वर्क, फ्रेंड्स, इन सब में उलझकर बहुत पहले ही भूल गया। आई एम फाइन नाउ। माँ भी यहाँ आ जाती तो मशरूम मंचूरियन बनाकर देती। मशरूम मंचूरियन? ओके। बहुत टेस्टी है। थैंक यू। सच बताओ, इससे पहले तुम होटल में शेफ थे क्या? नहीं नहीं, बहन को होटल का फूड नहीं जमता, इसलिए उसी के लिए स्पेशली खाना बनाना सीख लिया। ओह, इट्स वेरी नाइस। मशरूम तो हो गया, और कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? हनी बीज के पास चलते हैं। हनी बीज भी उगाती हो क्या? यस हनी, फॉलो मी। ओके। एक्चुअली क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सांप काट लिया। देखो क्या हुआ? ओह शिट, ओह गॉड, मैं मर जाऊंगी। ओह नो, मैं मरने वाली हूँ। एक मिनट रुको। अरे उठो उठो। हेलो, अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें। श्रुति उठो उठो। I'm so sorry. I'm really sorry. सांप वाप कुछ नहीं था, कांटा चुभ गया था बस। डर गए थे ना? मुझे कितना टेंशन हो गया था पता है तुम्हें? सुबह से खेल रही हो मेरे साथ,
असल में इतने से भी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे में। अच्छी देखो सुनीता, मैं तो सच में बहुत सीरियस हूँ, लेकिन वो हर बात को मजाक में ले रही है यार। हाँ पर कौन है, क्या है, कुछ बताया क्या? नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। तड़पना दुखी होने की मुझे आदत ही है ना। अमर के आने के बाद उससे बात करके मैं आ जाऊंगा। भैया डोंट गेट इमोशनल, कुछ लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। कभी कभी नेटवर्क मिलने में बहुत परेशानी होती है, पर एक बार नेटवर्क मिल गया ना तो कॉल पक्का आएगा ही। डोंट वरी भैया। अभी मैंने कुछ ओवर ही कर दिया इसलिए तुम्हें गुस्सा आया था ना। उठो ना अभी, मुझे सॉरी कहना है प्लीज। अभी तुम मुझसे प्यार करते हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये तुम नहीं जानते। मुझे भी अपने दिल की बात बतानी है, पर मेरे हालात कुछ अलग है। बट यू नो आई रियली लव यू। मारी जाने के लिए लड़कियों का साड़ी पहनना ही काफी होता है। अभी ये तेरी वीकनेस के साथ खेल रही है, बिल्कुल टेम्प्ट मत होना। तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जो पूछूंगी उसका जवाब दोगे मुझे? क्यों, मुझे उल्लू बनाने के लिए और कुछ बचा है क्या? बुरा नहीं मानोगे तो ही पूछूंगी, लाइफ लॉन्ग मुझे खुश रख पाओगे क्या? देखो मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसे प्यास काटने के अलावा और किसी मौके पर उसके आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्ट कर पाओगे? लाइफ में कितनी सारी बेवजह चीजें मैंने एडजस्ट की हैं, ऐसे में जिंदगी भर मेरे साथ जीने वाली तुम्हें एडजस्ट नहीं कर सकता क्या? सिर्फ हम ही नहीं, पता है हमारे नाम भी मेड फॉर ईच अदर है। मेरा नाम अभिनया है और सच बताऊं तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, एग्रीकल्चरल एमएससी डिस्कंटिन्यूड। मशरूम हनी बीज करी थी तभी मैं समझ गया था। इन सब के अलावा एक और जरूरी बात है, मेरी एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं डॉक्टर श्रुति से ट्रीटमेंट ले रही हूं। मेडिसिंस लेने ही यहां आई थी और तभी तुम्हारी बहन का फोन आ गया। श्रुति बनकर तुम्हारी बहन से बात की, तुम आ रहे हो ये पता चला तो सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूं, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम्हारे साथ ही लाइफ बितानी है ये मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने कब का डिसाइड कर लिया है, अब से मेरी जिंदगी बस तुम ही हो। वैसे ये ट्रीटमेंट किस लिए? वैसे वो ना तो इतनी बड़ी बीमारी है ना इतनी छोटी है कि छुपा लूं, फिर भी बताने से डर लग रहा है, शायद सुनकर तुम हंस पड़ोगे। सोने से पहले बता दूंगी। सोने से पहले बताने के लिए कोई लोरी है क्या? चलो अभी बताओ। ओ माँ का फोन है। हाँ कैरी ऑन। माँ श्रुति ना घर पर अकेली है तो मुझे फोर्स करिए कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, प्लीज माँ मैं यहीं सो जाऊंगी, नहीं बोलूंगी माँ। अच्छा श्रुति से बात करनी है, ठीक है एक मिनट। हाँ श्रुति, श्रुति माँ को तुमसे बात करनी है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ उसे आलू पराठे खाने हैं, वही बना रही थी मैं। ओके आंटी बाय, गुड नाइट आंटी। एक मिनट। हाँ श्रुति को भी बता देती हूँ ना। हेलो श्रुति, भगवान के दर्शन ठीक से हो गए ना? अरे ले रही हूँ मेरी माँ। अच्छा एक मिनट माँ से बात कर। हाँ माँ श्रुति का फोन है। हेलो श्रुति कैसी हो बेटा, मंदिर गई हो ना, भगवान के दर्शन ठीक से हो गए, कल आ रही हो ना? ठीक है बेटी, तुम्हें पता है ना उसे आलू पराठे बहुत पसंद हैं।
हाँ ठीक है बेटी, अब रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। मुझे आलू पराठे पसंद है, इसलिए बना रहे हो? यस। आलू पराठे बनने में 1 घंटा तो लगेगा ना? वन आवर क्यों, जस्ट 40 मिनट्स काफी है। ओह, तब तक मैं, ताकि तुम बोर ना हो जाओ, ये बताती हूँ कि मैं ट्रीटमेंट किस लिए ले रही हूँ। अभी तुम्हारी कहानी पर कॉन्सेंट्रेट किया तो खाना बन गया समझ लो, इसलिए ये फिनिश होते ही अच्छे से सुनेंगे। ओके ओके। हे फोन। हे किसका? हे सुनीता। बहन का, मुझे दो, मैं बात करूंगा उससे। लो। क्यों, मैं बात नहीं कर सकती, मैं ही बात करूंगी। ठीक है ठीक है। हाय देवरानी, क्या कर रही हो? कौन है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी माँ बात कर रही हूँ। कैसी हो, खाना खा लिया? हेलो सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोल नहीं रही है। लाओ मुझे तो। हेलो हेलो सुनीता, हेलो लाइन पे हो क्या? हाँ हूँ भैया। तो बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे एक बार भाभी से मिलने का मन हो रहा है भैया। उसके लिए थोड़ा सा टाइम है बेटा, अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भैया मैं अभी आ जाती हूँ। हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद अफेक्शनेटली पूछने वाला कोई नहीं रहा। एटलीस्ट मेरे पास तो फ्रेंड्स है, लेकिन उसके लिए तो मैं ही अकेला हूँ। पड़ोस की लड़कियां आके दीदी पुकारेंगी तो भी काफी है, जो मांगेंगी वो दे देती है। ऐसे में तुम माँ हो ये कहने पर वो बहुत इमोशनल हो गई। वैसे तुमने सडनली ऐसा क्यों कहा? तुमने जब मुझे अपना दिल दे दिया तो उस दिल में क्या है ये पता नहीं चलेगा। तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं चाहिए, अपनी बहन के लिए माँ भी चाहिए, इसलिए ऐसा कहा। मेरा भी उससे मिलने का मन है, कब ले चलोगे? अगर तुम ओके कहोगे तो अभी ले जाऊंगा। वैसे तुम्हारे बाल सडनली बढ़ कैसे गए? लॉन्ग हेयर तुम्हें पसंद आते हैं इसलिए। उसके लॉन्ग हेयर है कहा था, लेकिन पसंद नहीं कहा था, तुम्हारा नेचुरल रहना ही मुझे पसंद है। अच्छा तो फिर ठीक है। हे ये क्या है, मैं तो सच में समझा। अरे लाइट चली गई, अब कैंडल है क्या? लवर के साथ होते हैं तब अगर लाइट चली जाए तो एडवांटेज लेने के बजाय कैंडल क्यों ढूंढ रहे हो तुम? नहीं मेरी बात सुनो। नहीं क्यों? इतनी सुंदरता इतने पास से देखने के बाद मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। मत करो, बिल्कुल कंट्रोल मत करो। यू श्योर? श्योर। तब तो फिर एंगल बदलना पड़ेगा। अभी दरवाजा खोलो। क्या करूं इसका? ए मेंटल, ए अभी, व्हाट इज दिस? अभी मजाक की भी कोई लिमिट होती है। छे, दिस इज टू मच। कम ऑन यार, तुम्हारी मर्जी, जब भी खोलना हो तब खोल देना। चल 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 कर बात करते हैं, चल।
स्टेशन किस लिए सर? ए, चल, अरे चल, 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 चल सर क्या हुआ सर अभी ये सब क्या है? ए, तो उस पर केस करने वाली यही लड़की है। केस? सर कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी कुछ तो बोलो ना, अभी मेरी बात तो सुनिए सर। अरे चल। ये है मेरी लव स्टोरी, इसमें मेरी कोई गलती हो तो बताइए सर। तो फिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं सर, सालों साल साथ रहने के बाद भी ना, ये लड़कियां कब क्या कर देंगी ये बात तो भगवान भी नहीं जानते। और फिर एक दिन साथ रहने वाली लड़की के बारे में तू कैसे जान सकता है? क्या है ये सब भैया? कुछ नहीं हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? जस्ट रिलैक्स। वो महान लड़की अभी तक आई नहीं? अभी तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर बात करती हूँ। ओके माँ। नमस्ते सर। सर मैं अभिनया की माँ हूँ। लड़की कहाँ है? बाहर है सर। बाहर है? हाँ। इस केस में लड़की तो मैन है, अगर वो लड़की नहीं होगी तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? उससे बात करने से क्लैरिटी नहीं आएगी सर, कंफ्यूजन होगा। उसे एंटोग्रिप एमनीशिया नाम की बीमारी है, मतलब आज जो कुछ भी हुआ है नेक्स्ट डे उठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी समय सर के पीछे चोट लगी और ये बीमारी हो गई। ये तुम्हें कैसे पता? उसका ट्रीटमेंट मैं ही कर रही हूँ सर। एक्सीडेंट होने के पहले उसे सब कुछ अच्छे से याद था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसका हर दिन फ्रेश होता है। और अभी भी सोकर उठने के बाद उसके सर में बहुत दर्द होता है। और वो जोर से चिल्लाती भी है। इतना ही नहीं सर, नींद से उठने के बाद जब हम उसे बीमारी की याद दिलाते हैं तो एक एक बात उसे याद दिलानी पड़ती है, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। आंटी वो मुझे बहुत पसंद करती है, कल जो कुछ हुआ अगर उसे याद दिलाऊं तो मुझे वो पहचान लेगी क्या? चांस ही नहीं है, उसे याद कराने के लिए उसके साथ सालों तक ट्रैवल करना होगा। सर इसमें इसकी कोई गलती नहीं, छोड़ दीजिए इसे। इट्स ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। बेटा हा? उसने जो गलती की उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर देना। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं? चलती हूँ। आंटी कल जो कुछ हुआ वो उसे बताकर क्या मैं एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ? आज तो याद दिला दोगे लेकिन कल, परसों, ऐसा कब तक? मुश्किल है बेटा, एक बार उसकी शादी हुई थी, वो हमारे घर आए थे और ये उन्हें पहचान भी नहीं पाई, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बेटा तुम इस पगली के साथ रह नहीं पाओगे, चले जाओ बेटा। लोग इसे पागल कहते हैं तो बहुत दुख होता है बेटा, चले जाओ। यही है मेरी लव स्टोरी। अभी मैं तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात एक बार तो सुन लो अभी प्लीज, अभी अभी प्लीज एक बार सुन लो, अभी मैं कुछ यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ। अभी 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 आई एम रियली सॉरी। ये तुम हर बार मामा मत चिल्लाओ, कम से कम एक बार मेरी बात सुनकर याद करने की कोशिश करो प्लीज। अब तुम्हें कैसे बताऊं? कल मैं तुम्हारे घर आया था, तभी बारिश हो रही थी, मैंने तुम्हें कॉफी भी बनाकर दी थी। टीवी में जब तुम्हारे फेवरेट हीरो की फिल्म आ रही थी तो वो हमने मिलकर देखी थी। तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने आलू पराठा भी बनाया था। हम दोनों खाने के लिए वाटरफॉल के पास गए थे, मशरूम हाउस से हम लौट रहे थे, तब तुम्हें सांप ने डस लिया, ऐसा जोक किया था और मैंने मारा था तुम्हें। मुझे पसंद है इसलिए तुमने लाल साड़ी पहनी थी और मुझसे प्यार करती हो कहा था। क्या तुम्हें कुछ याद आया? हमने प्यार किया है, अभी कल हम दोनों साथ में ही थे, अब तुम्हें क्या बताऊं तो तुम्हें याद आएगा? समझ में नहीं आ रहा, जान जा रही है मेरी। अभी एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरे दिल से मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है पता चलेगा। 2 सालों से मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये सोचकर मुझे जितना डर लग रहा है उससे भी ज्यादा डर मुझे ये लग रहा है कि वो एक ना एक दिन मुझे भुला देगी। मेरी जान जा रही है, अभी मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। अब मैंने तुमसे कैसे प्यार किया ये तो मैं नहीं बता सकता, और कितना प्यार किया ये पूछोगी तो दिखा नहीं सकता, लेकिन तुम अगर नहीं रहोगी ना तो पागल हूं, कुछ याद नहीं रहता।
ऐसे ही थप्पड़ लगाकर मुझे याद दिला दिया करो। मतलब अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया? नहीं, पर पुलिस स्टेशन से जाते वक्त जब तुम मुझे देख रहे थे तब से कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कह रही थी और जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो ऐसा लगा जैसे तुम मेरे बहुत करीबी हो। श्रुति ने मुझे एक स्पाई कैम दिया है जिसके जरिए मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, ये रोज चेक करती हूँ। कभी कुछ याद आ जाता है और कभी नहीं आता। कल घर आकर मैंने सब कुछ स्पाई कैम पर देखा। डॉक्टर श्रुति, 100 में से 99% अभिराम, 100% एक शब्द में इतना फर्क होता है क्या? एक शब्द से जिंदगी बदल सकती है। एक कप दूध, एक स्पून कॉफी पाउडर डाल के लाइटली शुगर बस। वैसे किचन नीचे है, मेरे लिए भी बना देना। हाँ, मैं अपनी लाइफ की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा हूँ। और फर्स्ट कौन है? वो तुम ही हो, अगर मुस्कुराओगी। तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आई हो, जात पात, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, इससे कोई लेने देना नहीं है। आई जस्ट लव यू। अरे उठो ना, ये सब क्या है? सुबह से खेल रही हो मेरे साथ, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये बात तुम्हें नहीं पता, वही बात बताने आई। आई रियली लव यू। तुम्हारी बातें, तुम्हारा फ्लैशबैक, मैंने तुम्हारे साथ जो भी मस्ती की मैंने वो सब देखा। मैं अपनी लाइफ में बाकी सब कुछ भूल जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। और तब बेल बजी, दरवाजा खोला तो सामने तुम खड़े थे। तभी जोर से पकड़ के रोने का मन किया, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि मैं अभी भी तुम्हें अगर ना पहचानूं तो क्या करोगे। मेरा तो रोज का यही हाल है, पर तुम मुझे मार के सब याद दिला दोगे ये मैं समझ गई हूँ। मार के नहीं, हमसे प्यार करने वाले जब हमें चूमते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे याद दिलाऊंगा तुम्हें।